उपमंडल आनी कोरोना मुक्त हो गया है। 8 वर्षीय बच्ची की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उपमंडल में अब कोई भी सक्रिय कोरोना का मरीज नहीं है। अभी तक कुल 3 मामले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और तीनों ही मरीज अब कोरोना नेगेटिव हो गए हैं। ये बात आनी के SDM चेत सिंह ने कही। उपमंडल के कोरोना मुक्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि साप्ताहिक तौर पर आनी और निर्मल क्षेत्र से कोरोना सैंपलिंग स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी है। सैंपलिंग में कोरोना लक्षण वाले मरीजों और रेड जोन से आने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से नित्थर, जगातखाना और अरसू में 3 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। इसमें करीब 25 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। ये लोग क्वारंटीन नियमों का पालन कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही ये लोग भी अपने घर जा सकेंगे। SDM चेत सिंह ने कहा कि होम और संस्थागत क्वारंटीन को मिलाकर करीब 150 लोग उपमंडल में क्वारंटीन हैं। आनी उपमंडल में अभी तक जो टोटल पॉजिटिव केस थे कोरोना के, वो अभी तक 3 थे और मुझे इस बात की खुशी है बताते हुए कि तीनों के तीनों जो हैं अब रिकवर हो गए हैं और तीनों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। उसमें से एक रिपोर्ट हमें कल ही मिली है जिसमें कि 8 साल की बच्ची जाऊँ विलेज की, निर्मंड तहसील के अंतर्गत आता है, वो भी नेगेटिव आ गई है। तो अभी जो सैंपलिंग का प्रोसेस है हमारा कि हॉस्पिटल आनी में भी और निर्मंड में दोनों जगह सैंपलिंग की जा रही है और इसके अतिरिक्त ज़िला कुल्लू से हमें एक वैन मिलती है जो कि साप्ताहिक एक सप्ताह में आनी और निर्मंड एक दिन विजिट करती है, एक दिन आनी विजिट करती है, एक दिन निर्मंड। तो उसमें हम 2-3 जगह जाके सैंपलिंग करते हैं। तो अभी जो हमारे क्वारंटीन में लोग हैं जो कि हैवी लोडेड एरिया से भी आए हैं, रेड जोन से, और जो स्टेट से बाहर से भी आए हैं, उनको क्वारंटीन करने के हमने 2 तरीके रखे हैं। एक तो क्वारंटीन सेंटर जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं, इसमें हमें सत्संग व्यास वालों का बहुत सहयोग मिल रहा है। तो ऐसे हमारे पास 3 क्वारंटीन सेंटर है, एक नीथर में है, एक जगातखाना में है और एक अरसू में है। तो इसमें अभी हमें इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो 25 लोगों के आसपास लोग यहाँ पर क्वारंटीन में रखे गए और इन लोगों के सैंपल हम वहीं जाके कर रहे हैं। तो अभी टोटल नंबर अगर लोगों का देखें जो क्वारंटीन सेंटर में अलग अलग जगह है, या तो क्वारंटीन सेंटर में है या फिर किसी के पास अलग घर है, अलग फ्लोर है, तो उसमें लगभग 150 लोग हैं। इनमें से रेड जोन से आने वाले लोगों की तादाद अधिक है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि क्वारंटीन नियमों का पालन सरकार और प्रशासन के दिशा निर्देशों के हिसाब से करें ताकि अन्य लोगों को संक्रमण न फैल सके। यदि कोरोना का संक्रमण सामने आता है तो एहतियात बरतें। PRTV न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, आनी।